एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मूथाज क्विजिन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप सबके लिए सूजी का एक बहुत ही सिंपल और इजी सा ब्रेकफास्ट रेसिपी लेके आई हूँ। हर मॉर्निंग उठने के बाद सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि आज ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, और बनाने वाले को भी यही क्वेश्चन माइंड में आता है कि हम बना के क्या दें। तो आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इजी और सिंपल सा रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही कम टाइम में बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम 1 कप सूजी ले लेंगे, उसमें 1/2 कप दही ऐड कर देंगे और 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। सब कुछ ऐड करने के बाद हम उसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जब ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाए, उसके बाद हम एक लीड लगा के उसे 15 मिनट के लिए ढक के साइड में रख देंगे। उसके बाद हम कुछ कटे हुए गाजर, कटे हुए बीटरूट, कटे हुए धनिया का पत्ता, कटे हुए टमाटर और कटे हुए गोभी ले लेंगे। चाहे तो कोई और वेजिटेबल्स भी ले सकते हैं। 15 मिनट अब हो चुका है, अभी हम लीड को हटाएंगे और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा फूल के अच्छी तरीके से मिल गया है। उसमें अब ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार, बेकिंग सोडा 1/3 टेबल स्पून और उसे मिला लेंगे। अभी उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छी तरीके से मिला लेंगे और एक अच्छी कंसिस्टेंसी का बैटर बना लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बबल्स आना शुरू हो गया है, तो अभी तुरंत ही हम सारे कटे हुए वेजिटेबल्स को ऐड कर देंगे। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सा कलर उभर के आ चुका है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टेबल स्पून और ऑरिगेनो 1/2 टेबल स्पून। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। हमारा स्मूथ परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर अभी बन के रेडी हो चुका है। अभी हम एक पैन को हीट कर लेंगे, उसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और ऐसे चारों तरफ स्प्रेड कर लेंगे। अभी हम बैटर को पोर कर लेंगे। हमें अभी लो टू मीडियम फ्लेम में इसे कुक करना है। चारों तरफ ऑयल थोड़ा सा स्प्रेड करके उसके बाद हम ओकेजनली इसे फ्लिप करते रहेंगे। दोनों साइड से हमें इक्वली फ्लिप करके उसे कुक करना है। अभी हमारा चीला बन के रेडी हो चुका है। इस सूजी छीले की रेसिपी को हम ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे, इससे बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है। आई होप मेरा ये सिंपल और इजी सा रेसिपी आप सबकी मॉर्निंग के सर दर्द को थोड़ा सा कम किया होगा। तो ये वाली रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिए और आप मेरे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक यू।